नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी एक अंडा करी की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 5 उबले हुए अंडे। अंडे आप अपने जरूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल लेंगे 1 चम्मच तेल। तेल जैसे ही हमारा हल्का गर्म हो जाएगा, हम डाल देंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज को थोड़े से मोटे टुकड़ों में काट के। 4-5 डालेंगे हम लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे 4 हरी मिर्च। तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा। सभी चीज़ों को हम गैस का फ्लेम मीडियम करके 2 से 3 मिनट बस हल्का कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप कौन से गांव से या कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। प्याज का कलर जैसे ही हल्का चेंज हो जाएगा हम निकाल लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने बस प्याज को फ्राई किया है। पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाल लिया है। अब हम अंडों को डाल के फ्राई करेंगे। 2 पिंच डालेंगे हल्दी और 2 से 3 पिंच डालेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। दो मिनट के लिए अंडों को मैंने फ्राई कर लिया है। अंडों का कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा हम निकाल लेंगे और पैन में हम डाल लेंगे 3 चम्मच तेल। अब हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे थोड़े से धनिया के पत्ते, आप देख सकते हो कितना है। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1/3 कप दही। जार को हम बंद करके पेस्ट बना लेंगे। अब हम तेल में डालेंगे 1 तेज़पत्ता, साथ ही डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी के, 2 डालेंगे लौंग और साथ ही डालेंगे 2 छोटी इलायची। जैसे ही खड़े मसाले हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा हम डाल देंगे यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे, नहीं तो मसाले हमारा जल जाएगा। फिर हम डाल देंगे यहाँ पे जो हमने पेस्ट बना के रखे थे। थोड़ा सा हम जार में पानी डाल के डाल देंगे मसाले में और मसाले को 5-6 मिनट तब तक भूनेंगे जब तक मसाले के साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। मसाले को जितने अच्छे से हम भूनेंगे अंडा कड़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके हम मसाले को बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। मसाले काफ़ी ज़्यादा छिटक रहे हैं तो मसाले को हम ढक के भूनेंगे और बीच बीच में खोल के हम बार बार स्पैचुला से चलाते भी रहेंगे। 5-6 मिनट हो गए और आप देख के समझ सकते हो मसाले बहुत ही अच्छे से हमारा भून चुका है। मैंने बीच में खोल के 3 से 4 बार स्पैचुला से चला भी लिया था। तो जैसे ही मसाले के साइड से तेल अलग दिखने लगेगा हम डाल देंगे यहाँ पे 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तब आप यहाँ पे घर के जो दूध का मलाई होते हैं उसे फेंट के डाल सकते हो। क्रीम डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स करेंगे। डालेंगे हम 1 चम्मच कसूरी मेथी, साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। अच्छे से हम मिक्स करके डाल देंगे यहाँ पे करीब 1/2 कप पानी। पानी उतना ही डालिएगा जितना आपको ग्रेवी चाहिए। एक बार आप इस तरीके से अंडा कड़ी बना के खाएंगे ना, आप इस अंडा कड़ी के दीवाने हो जाओगे, इतना ये टेस्टी बन के तैयार होता है। तो अच्छे से मसाले भून चुका है, डाल देंगे हम यहाँ पे पानी। पहले हम ग्रेवी में एक बॉयल आने देंगे। नमक डालेंगे हम स्वादानुसार। जैसे ही ग्रेवी में बॉयल आ जाए हम डाल देंगे यहाँ पे फ्राई किए हुए अंडे। एक बार हल्के हाथों से मिक्स करके गैस का फ्लेम मीडियम करके ढक देंगे हम 4 से 5 मिनट के लिए।
चार से पाँच मिनट हो गए और हमारा टेस्टी अंडा करी बनके तैयार है। हम लास्ट में डालेंगे एक चम्मच बटर, साथ ही हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हम मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और जितना आपको ये अंडा करी देखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। तो गैस का फ्लेम हम बंद करके दो मिनट के लिए ढक के रखेंगे, फिर हम अंडा करी को सर्व करेंगे। दो मिनट बाद हम अंडा करी को सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद जरूर बताइएगा। और रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे बनाने के बाद तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।